मेरे जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स था वो सब परमेश्वर ने अपने हाथों में लेकर मुझे अद्भुत रीति से चलाया। जैसे कि मैं एक छोटा सा गवाही दूंगी मेरे घर के बारे में, मुझे घर बनाने का जो प्लान्स था बहुत सालों से था, लेकिन वो अमाउंट में रेडी नहीं कर पाती थी। मैं एक सपने की तरह मैं सोचकर चल रही थी कि परमेश्वर चलाएगा, एक दिन बनाएगा। लेकिन एक दिन ऐसे परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, और बचपन में हम लोग के पास भी छोटा सा घर था, लेकिन मेरा भाई बोलता था नहीं, हम लोग को अच्छे घर में रहना है, एक एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना है, तो हम लोग प्रेयर करेंगे, हम लोग चारों बैठकर एक घर, हम लोग को एक बड़ा घर चाहिए, हम लोग डायग्राम बनाकर उसके पर हाथ रख के हम लोग रोज़ प्रेयर करते थे। और रोज़ प्रेयर करने के बाद परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में अद्भुत रीति से, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी परमेश्वर ने हम लोग को एक बड़ा घर दिया। वो टाइम में हम लोग ने 7 लाख में वो घर खरीदा था, लेकिन आज वो 1 करोड़ का है। तो परमेश्वर ने उस वचन को, वो चीज़ को मेरे अंदर बोया। मेरा भाई, बड़े भाई हमेशा मुझे एनकरेज करते थे कि नहीं, तेरे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा, तू विश्वास रख, तो विश्वास रख। तो मैं सोफिया और मैं हमेशा स्कूल जाते हुए सोफिया को मैं हमेशा बोलती थी तू प्रेयर करना कि हम लोग को परमेश्वर बड़ा घर दे। तो वो रोज़ डेली स्कूल जाते वक्त हम लोग होली क्रॉस स्कूल के तो जाते वक्त प्रेयर करती थी, और हम लोग ने परमेश्वर देगा ये विश्वास से मैं चलती थी। तो परमेश्वर ने 2018 में वो प्रार्थना सुना, और अद्भुत रीति से, मतलब घर बनाते वक्त सब लोग बोलते बहुत टेंशन हो जाता है, ये होता है, बहुत सारे स्ट्रगल आते ये आता है, लेकिन मैं 3 मंथ में मुझे ऐसा टेंशन ही नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रेयरफुली थे, और हम लोग डेली फैमिली हम लोग प्रेयर करते थे परमेश्वर तू चला। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक एक दिन, बोलते ना पैसे की 1 रुपए की भी कमी ना होते हुए परमेश्वर ऑटोमेटिकली सामने वाला बोल रहा था तुझे कुछ कमी है क्या, कुछ पैसे चाहिए? मैं बोली नहीं नहीं मुझे देना, फिर भारी पड़ जाएगा, मेरा चल रहा है अभी तक। सामने से इतने सारे जन हेल्प के लिए मेरे लिए आगे आए, मतलब परमेश्वर जब उसके काम को जब चलाता है, बोलते बोलते अपने बच्चों को अपने हाथों में ले लेता है ताकि उसके पैर को थोड़ा भी तेज ना लगे, वो अद्भुत रीति से उसके हाथों में लेकर हम लोगों को चलाता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अपने हाथों में लेके, अपने बाहों में लेकर मुझे थोड़ा भी तकलीफ ना होते हुए मेरे घर को अच्छी तरह से बनाने में परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आमेन।